दोस्तों बिलीव नहीं हो रहा है ना, लेकिन दोस्तों ये सच है। अगर आपके पास एक एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, कोई भी एंड्रॉयड स्मार्टफोन है, आप ये ट्रिक यूज कर सकते हैं। अपने स्मार्टफोन के बैक में टैप करके, डबल टैप या फिर ट्रिपल टैप करके बहुत सारे शॉर्टकट्स यूज कर सकते हैं। हाँ दोस्तों, मैं फिंगरप्रिंट सेंसर की बात नहीं कर रहा हूँ, बैक साइड में कहीं भी टैप करके आप इसे यूज कर सकते हैं। तो कैसे करेंगे, बहुत सिंपल स्टेप है दोस्तों। इस वीडियो में एंड तक मेरे साथ बने रहिए, बिना स्किप किए दोस्तों वीडियो को देखिए अगर आपको ये ट्रिक यूज करना है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सो हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज सम्यक, यू आर वाचिंग टेकफिन, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो दोस्तों ये ट्रिक को यूज करने के लिए आपको एक ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा दोस्तों, छोटा सा ऐप है, लेकिन ये आपको प्ले स्टोर में नहीं मिलेगा। इसके लिए दोस्तों आपको गूगल में जाना है और सर्च करना है टैप टैप XDA। टैप टैप XDA अगर सर्च करेंगे तो दोस्तों ये जो पहला वाला आ जाएगा वहां पे दोस्तों क्लिक कीजिएगा। लिंक भी दोस्तों मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे जाके आप डायरेक्टली वो लिंक को ओपन कर सकते हैं। तो दोस्तों थोड़े नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, वहां पे दोस्तों हमें डाउनलोड कर लेना है। परमिशन मांगेगा डाउनलोड के लिए, तो यहाँ पे ओके कर देना है। उसके बाद ये डाउनलोड हो जाएगा अपने स्मार्टफोन के अंदर, उसके बाद इसे जाके इंस्टॉल कर लेना है। मैंने दोस्तों पहले से ही इंस्टॉल कर दिया है। तो दोस्तों ये आ गया हमारे पास ऐप। ये टैप टैप ऐप को अगर हम ओपन करेंगे वहां पे हमें गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना है, और दोस्तों इसके बाद आपको मांगेगा कि डबल टैप कीजिए, ट्रिपल टैप कीजिए, जो भी यूज करना चाहते हैं आप। तो दोस्तों हम डबल टैप कर लेते हैं, तो जेस्चर रिकॉग्नाइज्ड ये हो गया। अभी हमें नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करना है, और दोस्तों उसके बाद फिर से नेक्स्ट करना है। यहाँ पे दोस्तों डिसेबल बैटरी ऑप्टिमाइजेशन लिखा है, तो हमें बैटरी ऑप्टिमाइजेशन को डिसेबल कर लेना है, और उसके बाद फिनिश। ये दोस्तों एनेबल हो गया, लेकिन दोस्तों हमें डबल टैप करने के बाद कौन सी चीज ओपन होगा हमारा, वो यहाँ पे सेट नहीं किया गया। तो दोस्तों यहाँ पे हमें कर लेना है, ये जो डबल टैप एक्शन लिखा हुआ है वहां पे क्लिक कीजिएगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऐड एक्शन जो बटन दिया गया है वहां पे अगर क्लिक कीजिएगा तो दोस्तों आ जाएगा लंच, यूटिलिटीज, एक्शन, एडवांस, बहुत सारे चीज दोस्तों दिया गया है। यूटिलिटीज के ऊपर क्लिक करेंगे तो दोस्तों आपको फ्लैश लाइट का ऑप्शन मिल जाएगा, फ्लैश लाइट को आपको यहाँ पे ऐड कर देना है। तो दोस्तों बस हो गया, ये दोस्तों ऐड वगैरह हो गया, लेकिन दोस्तों आपको परमिशन को अलाउ करना पड़ेगा। तो दोस्तों मैंने पहले से एनेबल कर लिया था, अगर आपने किया नहीं होगा तो दोस्तों आप यहाँ पे जाके फोन के एक्सेसिबिलिटी मेनू पे इसे एनेबल कर लेना है, और दोस्तों डाउनलोडेड सर्विसेज को भी जाके टैप टैप और टैप टैप सेकेंडरी सर्विसेज को ऑन कर लेना है, और बस हो गया हमारा एक्शन। उसके बाद अगर डबल टैप करेंगे तो दोस्तों देखिए फ्लैश लाइट ऑन हो गया, ऑफ हो गया, बस। बहुत ही बढ़िया कूल फीचर है दोस्तों, आप ट्रिपल टैग भी कर सकते हैं और बहुत सारी चीज भी दोस्तों आप इसमें ऐड कर सकते हैं, सिर्फ नहीं कि फ्लैश लाइट ही ऑन कर सकते हैं, बहुत सारी चीज दिया गया है दोस्तों। तो दोस्तों इतना ही था इस वीडियो में, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों जल्दी से कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक कीजिए, ऑल कीजिए मेरे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों मिलते हैं टेकफिन के और एक नए वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, बाय बाय।